दोस्तों 3-4 हज़ार व्यूज़ पर लाखों लाइक्स कैसे आ सकते हैं? मतलब साफ है YouTube सर्वर क्रैश्ड तो नहीं हुआ होगा, लेकिन YouTube रियल टाइम डेटा नहीं दे पा रहा था। ये है SRK फैंस या फिर जवान का क्रेज़। अब इसको जवान का प्रीव्यू कहें या फिर टीज़र ट्रेलर, चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। सर्च ऑन गूगल तो अगर हम प्रीव्यू ना कहकर टीज़र ट्रेलर कहें तब भी कुछ गलत नहीं होगा। टीज़र देखकर पता चलता है कि मूवी में ड्रामा रोमांस एक्शन सीक्वेंस बहुत ही टॉप लेवल का देखने को मिलने वाला है, और वो भी इन एक्टर्स के साथ शाहरुख खान, विजय तिरुपति, नयनतारा, प्रियमणि एंड दीपिका पादुकोण स्पेशल अपीयरेंस। वैसे SRK का इसमें डुअल रोल भी आपको देखने को मिल सकता है, वो भी काफ़ी सारे अवतार के साथ। जैसे ये आप देख सकते हो मून नाइट वाला अवतार जो कि पट्टियों से कवर्ड बॉडी, और एक और अवतार देखने को मिलता है हाफ फेस वाला, हाफ फेस मास्क वाला अवतार है ये, तो ये भी एकदम इसमें दिखता है। डैशिंग अवतार की अगर मैं बात करूँ तो वो है राहुल, नाम तो सुना होगा। एक और अवतार मिस हो रहा है जो कि हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, काफ़ी वायरल है, जो कि हेयरलेस, आप ये इस तरह से देख सकते हैं। तो एक्शन डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एक्शन डायरेक्टर्स रह चुके हैं वो भी इस मूवी में एक्शन डायरेक्टर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक्शन है वो हॉलीवुड कॉम्बिनेशन में मिलने वाला है, जो कि बहुत ही टॉप लेवल होगा। वैसे इस टीज़र को देखने के बाद स्टोरी का ज़्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हटाकर दिखाया गया है जिससे सस्पेंस क्रिएट हो इस मूवी को देखने के लिए। वैसे अगर आपको कुछ लगता है इस स्टोरी के बारे में, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं किसी भी तरह से, तो आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। जहां एक अकेला नाम ही काफ़ी होता है हाइप क्रिएट करने के लिए SRK, और वहां पर एक और नाम जुड़ जाए जो कि है विजय सेतुपति एज अ विलन, तो हाइप दोगुनी हो जाती है। वैसे इनको कम ही रिवील किया है इस टीज़र में, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।